Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. रोला पैसे कहाँ चले गए? मैं तो अलमारी में रख के अम्मी बात सुने। क्या बात है साले, परेशान लग रही हो? है चेहरा उतरा हुआ, खैर तो है? अम्मी वो मेरे बीसी के पैसे। क्या हुआ बीसी के पैसों को? अलमारी में रखे थे, वहां नहीं है। अरे पैसों के कोई पैर लग गए, चल के चले गए, कहीं घर वाले में होंगे, जाके देखो। अम्मी मैंने बैग भी खंगाला है, उसमें भी नहीं है। कहना क्या चाह रही थी, खुल के बात कर एक दफा। मेरा मतलब है कि कहीं आपने तो है? क्या मतलब है तेरा, कहीं मैंने ना चुरा लिया हूं? मैंने ऐसा कब कहा अम्मी? फिर क्या कहा? अम्मी मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। पूछ नहीं रही तू, मुझ पे इल्जाम लगा रही है। तू मुझ पे इल्जाम लगा रही है पैसे चुराने का, रे मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा रही है तू। अल्लाह भाई, हाँ लगा सकती है, उठा के जो खिला रही है, क्या कर सकते हम लोग? अम्मी आपसे पूछ रही हूँ, आप तो बतंगड़ बना रही है बात का। आप इस घर में रहती है, आपसे ही पूछूंगी ना। क्या हुआ अम्मी, रो क्यों रही हैं? चुप कर, अपने नसीबों को रो रही हूँ। आज तू किसी काबिल होता तो मुझे ये दिन तो ना देखने पड़ते। चोरी का इल्जाम लगा दिया मुझ पे, पैसों की चोरी का। यार प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ माना कि ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इनकी इज्जत नहीं करो। जुबैर जब तुम्हें किसी बात का इल्म ना हो तो क्यों बोलते? और ये सगा सुतेला कहाँ से आ गया? ठीक कह रहा, अगर मैं तेरी सगी माँ होती ना तो तू कभी मुझ पे इस तरह खुला इल्जाम ना लगाती चोरी का। अम्मी मैं सिर्फ पूछ रही थी आपसे, और बाखुदा मैंने कभी आप लोगों को सोतेला नहीं समझा है। काम हो गया। लाख अभी चलने तो दूसरे घर से बाहर। चुप चुप चल मेरे से। जी जी आंटी, आप बेफिक्र हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पहुंचा दूंगी। बहुत शुक्रिया जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। फरा? हाँ बोलो। एक मिनट मेरी बात सुनोगी? यार अभी नहीं, मैं पहले जरा उस खड़ूस को फाइल से आऊं, फिर आकर इत्मीनान से तुम्हारी बात सुनती हूँ। अरे अम्मी जल्दी कर ले, मुझे देर हो रही है। अरे क्यों चीख रहा है, आ रही हूं ना जरा। कहां रह गई थी? अरे रख के भूल गई थी। फिर मिले? ये ले। मैं तो डर गया था। क्या कर, ये पकड़ ले, पकड़ ना अब। थैंक यू अम्मी। बात सुन, ये अपना थैंक यू वैंक यू अपने पास रख, और आइंदा तुझे अगर पैसों की जरूरत पड़े ना तो खुद इंतजाम करना, मुझसे ना कहना। तेरी मोहब्बत ने ना मुझे चोर बना दिया। आप समझ नहीं रही हैं, अगर आज पैसे वापस ना करता ना उसके तो बहुत बेइज्जती होती मेरी। वैसे मेरी प्यारी अम्मी जान,
आपकी अदाकारी की दाद देनी पड़ेगी। बेचारी खुद भी नहीं समझ पाई कि हो क्या रहा है उसके साथ। बात सुन, अब तुझे देर नहीं हो रही, अब उतावला नहीं हो रहा। बात जा रहा हूँ शादी कर लो। ये सगे सौतेले का फर्क खत्म करते करते एक दिन तुम खुद खत्म हो जाओगी। नहीं फरा, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। मेरा भाई अभी पढ़ रहा है, शादी करूंगी तो उसकी तालीम अधूरी रह जाएगी। कोई अधूरी नहीं रहती, जिनको तालीम का शौक होता है वो अपने मसाइल खुद पैदा करते हैं। चल ठीक है, मान लेती हूँ मैं तेरी बात। अब क्या अपने लिए रिश्ता भी खुद तलाश करूं? बेवकूफ, ये तो सब माँ के काम होते हैं। और तुम्हारी माँ ऐसा कर ही ना ले। तुम पागल हो गई हो? तुम समझ क्यों नहीं रही हो जो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने लिए लड़का खुद देखूं? वेल, इसमें हर्ज ही क्या है? सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर तुम एक काम करो, तुम मर जाओ। अरे, इसमें मरने वाली बात कहां से आ गई? तो फिर और क्या कहूं, तुम बुजदिल हो और बुजदिल को मेरी नजर में मर जाना चाहिए। अच्छा चल, छोड़ना सब बातें, ये बता कि आज तू मुझे कमेटी के पैसे दे रही है ना? यार वो तुम्हें बताया था ना, अम्मी बीमार है तो उनकी मेडिसिन। अल्लाह फरा, मुझे बहुत जरूरत है। मैंने तो आंटी से कह दिया कि मैं आज पहुंचा दूंगी उन्हें पैसे, प्लीज कुछ कर ले बहन। मैं मना नहीं कर रही, लेकिन आज मेरे पास बहुत मुश्किल से 850 ही हो पाए हैं। हाय गर्ल्स। हाय, लगता है तुम्हारा काम हो गया। फैसल, तुम मेरा एक काम कर दोगे प्लीज? जहीर नसीब कि मैं तुम्हारे किसी काम आऊं। बोलो क्या काम? वो मुझे ना बस 10,000 चाहिए, सैलरी मिलती वापस कर दूंगी। अरे यार, लौटाने की बात छोड़ो, ये बताओ कि कब चाहिए? आज, बल्कि अभी, इसी वक्त। आज, अभी, इसी वक्त? कहाँ जा रहे हो? नहीं है क्या? अरे मेरा वॉलेट जो है ना वो ड्रॉज में पड़ा हुआ है, अब जाऊंगा तो लाऊंगा ना। हाँ हाँ, तो जाओ ना, खड़े क्यों? ओके। तो बाकी बहुत अच्छी दोस्त है। थैंक यू सो वेरी मच। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा जज्बाती मत हो। इसको इसके पैसे ना प्लीज तुम सैलरी मिलती ही लौटा देना, वरना इसके चक्रों में मेरा अपना सर चकरा जाएगा। तो फिक्र मत कर, बिल्कुल लौटा दूँगी। Here we go now. अरे भाई, यहाँ क्यों उतर रही है? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ना। नहीं नहीं, मेरा घर यहाँ से बहुत करीब है, पैदल चली जाऊंगी। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी मेरे लिए। अगर कोई देख ले तो क्या हो जाएगा, कह देना कॉलेज का लड़का है, साथ पढ़ता है। अरे बेवकूफ, मेरा कॉलेज ओनली फॉर गर्ल्स है। ओ, ये तो मैं भूल गया था। अच्छा ये बताओ ना, मिलोगी कब? जब तुम मेरा मोबाइल लेकर आओगे तब। बहुत ही खुदगर्ज हो यार। क्यों, तुमसे मैंने मोबाइल मांग लिया तो मैं खुदगर्ज हो गई? मैं तो मजाक कर रहा था यार। अच्छा ना, सॉरी ना, देखो ना तुम्हारे सामने कान नहीं पकड़ रहा हूँ, सॉरी। अब तो बोल दिया लेकिन आइंदा नहीं बोलना। अच्छा ना, जाओ ना वरना मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा,
अरे आप आई थिंक कहीं आसपास शायद यहीं रहती हैं? जी हाँ, मैं यहीं करीब में रहती हूँ। और आप? मैं नाजमाबाद में रहता हूँ। एक्चुअली यहाँ मेरी चची रहती हैं, तो अम्मी को छोड़ने उनके घर आया था। चलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आपको भी छोड़ दूँ? नहीं सॉरी, मैं चली जाऊंगी, और वैसे भी मुझे मोटरसाइकिल पर बैठने से बहुत डर लगता है। अरे घबराइए मत, मैं बाइक तेज नहीं चलाता। नहीं थैंक यू, मैं बस में चली जाऊंगी, बस आने वाली है बस, आप जाएं। थैंक यू वेरी मच। ओके एज यू विश, मैं चलता हूँ। अभी पता चलता तुझे। ले तलाशी अच्छी तरह से इसके बैग की, ले तलाशी। हमारा नहीं है। कमीनी, कहाँ बेच के आई, कहाँ बेच के आई है, कितने के बेच के आई है? क्या बेच दिया मैंने, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या कह रही हूँ मैं? मेरे सोने के टॉप्स बेच के आई है तू। सोने के टॉप्स? अम्मी मैंने तो आपके सोने के टॉप्स देखे तक नहीं है, बेचना तो दूर की बात है, और क्यों बेचूंगी मैं? क्यों बेचूंगी? हाँ, वो जो दिन कमेटी के तेरे पैसे चोरी हुए थे ना, उसकी वजह से तूने मेरे टॉप्स बेच दिए, उसके पैसे पूरे करने के लिए। कमीनी देख, शराफत से बता दे, नहीं तो मैं दूसरा हरबा इस्तेमाल करूंगी। सालिया बता दे जल्दी। छोड़े मुझे, छोड़े। खबरदार अगर मुझे हाथ लगाया है, इल्जाम लगाने से पहले अच्छी तरह सोच लिया करें मैं क्यों चोरी करूंगी। मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, घर रात में वापस आती हूँ। आपके कमरे की और आपकी अलमारी की चाबी या तो आपके पास होती है या आपके बेटे के पास होती है। पूछे इस कंगले से, हर वक्त इसे पैसों की जरूरत होती है। इधर तो मेरा बैग, फट आराम कहीं का। वैर इधर आ, तूने मेरे टॉप चोरी किए, बता। हामी, क्या मौत पड़ गई, क्या मुसीबत आ गई थी ऐसी? बस 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 बस, कितने पैसे हुए? 50 रुपए। 50 रुपए दे दो। क्या हो गया है? कार है भाई, इतनी देर से खड़ा हुआ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। तुम्हें पता है मेरे साथ जो लड़कियाँ होती है ना, उनसे जान छुड़ा कर आना बहुत मुश्किल है। चलो बैठो। नहीं मैं बाद में बैठूंगी, पहले मेरा मोबाइल दिखाओ कहाँ है। अरे बैठो तो सही। नहीं मैं बाद में बैठूंगी, पहले मेरा मोबाइल दिखाओ कहाँ है। अरे भाई मोबाइल मार्केट जाएंगे, वहाँ जाकर अपनी मर्जी से अपनी पसंद का मोबाइल खरीद लेंगे। Really? भाई देखो, अगर मैं अपनी मर्जी का मोबाइल ले आता तो मेरे लिए तो मसला हो जाता ना। अरे समझदार हो गए हो। हाँ, क्या करूँ, इतना प्यार जो करता हूँ तुमसे। जुबेरी सड़क है, कोई रोमांस करने की जगह नहीं है। अगर पुलिस वालों ने हमें देख लिया ना तो दोनों को अंदर कर देंगे। चलो अब चलें। लेकिन मैं क्या करूं, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो दुनिया नजर ही नहीं आती है मुझे। मुझे नजर आती है लेकिन। अच्छा चलो अब चलो, बैठिए मलका एलिया। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने हालात खराब में भी आपने मुझे घर ड्रॉप किया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है। एक्चुअली आप तो मेरी कोलीग हैं,
और अगर मैं फर्ज पूरा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आप आए ना घर पे, चाय ठंडा कुछ तो पिए। अरे इस टाइम तो मैं लेट हो रहा हूँ क्योंकि हालात खराब हैं और अम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। चलें ठीक है, बहुत ख्याल से जाइए। जी बिल्कुल, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये किसके साथ आई हो तुम? ऑफिस को ले गए, हंगामे की वजह से ट्रांसपोर्ट बंद थी तो मुझे घर तक छोड़ने आ गया था। रहता कहाँ है? नाजमाबाद। बहुत ही अच्छा आदमी है ये तो, रहता नाजमाबाद में और आउट ऑफ द वे छोड़ने तुम्हें यहाँ आया। तुम्हें इससे मतलब? यार कल तो इतने हालात खराब थे ना, मत पूछो। हमारा पूरा एरिया बंद किया हुआ था, मैं तो तैयार थी, भाई ने आने ही नहीं दिया। तुम घर कैसे गई थी? मैं? फैसल ने ड्रॉप किया था। ओ फैसल ने? वैसे बहुत ही अच्छा लड़का है। वाकई बहुत अच्छा लड़का है, अगर कल वो ना होता तो पता नहीं क्या होता। वैसे मैं एक बात कहूँ? क्या? मुझे लगता है जैसे 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 फैसल तुम्हें इंटरेस्टेड हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, समझी तुम? अरे इसमें दिमाग की खराबी कहाँ से आ गई? क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अगर इतना ही अच्छा है तो तुम ले लो। हाय काश काश मेरी मम्मी ना हुई होती तो। बड़ी बेशरम हो वैसे तुम। वो तो मैं हूँ। ओ क्या हुआ? तुम्हारे चक्कर में ना मैं भूल गई, जुनेद साहब ने फाइल्स मंगवाई थी। मेरे चक्कर में या अपनी बातों में? माय डियर अगर मैं कान ऐसे पकड़ूं या घुमाकर, बात तो एक ही है ना। बातें छोड़ो, फाइल लेकर जाओ उनके पास वरना वो यहीं आ जाएंगे। हाँ हाँ मैं चलती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात पर ध्यान जरूर देना। जाओ। जा रही हूँ, लेकिन तुम एक दफा सोचना जरूर, फैसल बहुत ही अच्छा लड़का है। ओ ठीक है। फलाश तो बहुत देर हो गई है, सीएनजी की स्ट्राइक है, अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कैसे जाऊंगी मैं? लगता है आज भी आपको छोड़ने का फर्ज मुझे पूरा करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। अरे आज तो सीएनजी की हड़ताल है और रक्षा टैक्सी वाले खाल उतारने को तैयार बैठे। हमारे मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है, हम हुक्मरानों को बुरा भला कहते हैं जबकि हम खुद यही नहीं सोचते कि हम खुद कितने बुरे। खैर आइए मैं आपको छोड़ दूं। आ जाइए। अभी झूठ बोल रही है ये? मैं झूठ नहीं बोल रही। अरे चुप कर, बड़ी आई सच्ची, सही कह रहा है ये। उस दिन तो हड़ताल थी, चलो समझ में आता है, आज क्या मुसीबत पड़ गई थी? रिक्शा टैक्सी बसें सब बंद हो गई थी, क्या आ नहीं सकती थी उसमें? रिक्शा टैक्सी वाले बहुत किराया मांग रहे थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे या उसके साथ बैठ के आना चाह रही थी? जबान संभाल कर बात करे। क्यों मैं क्यों जबान संभाल के बात करूँ? ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने, सब तेरी हरकतें जानती हूँ, हर चीज से वाकिफ हूँ मैं। मतलब क्या है? ऐसी कौन सी आपने हरकत देख ली जो गंदे गंदे इल्जामात लगा रही हैं आप मुझ पर? अपने आप को काबू में रखें वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सगी माँ नहीं है। अरे तुम भी तमीज से बात करो, ये मेरी माँ है। अरे छोड़ दे लड़के, इस लड़की का मुंह ना लग, वैसे भी इसके बड़े परपुर्जे निकल आए। और बात सुन लड़की, इस लड़के के बलबूते पे तू इतना चढ़ चढ़ करके बोल रही है ना, ये फसली बटेरे होते हैं कभी यहाँ कभी वहाँ, तो जैसी लड़कियों का ठिकाना कुछ और होता है। मैं कहती हूँ चुप हो जाए, जबान संभाल कर बात करें, अपनी घटिया सोच और गंदी जबान को अपने तक महदूद रखा करें। अगर मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो गया ना तो क्या करेगी? मारेगी या घर से निकाल देगी इनको? घर से निकाल दूंगी, तुम दोनों को समझा ले अपनी माँ को, कर सकती हूँ मैं ऐसा भी। मास्क करते हैं। अरे
बाद में देखेंगे। अरे अम्मी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा है। पहले ही घर उसकी माँ के नाम पर है, बाप के नाम पर थोड़ी है जो मेरे नाम हो जाएगा। देख जुबैर, कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले सोच ले, देख लेने के देने ना पड़ जाए। तुम हमेशा ऐसे ही डरती रहना अम्मा, एक दिन ये सोने की चिड़िया जो है ना मुझे और तुम्हें लात मारकर घर से बाहर निकाल देगी। कह तो तू ठीक ही रहा है, लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। क्या कर लिया बंदोबस्त, मुझे भी तो बता दे अपना बंदोबस्त। वैसे ही इतनी सारी बोरी बंद लाशें मिल रही हैं, एक सालेहा की भी मिल जाएगी तो कौन सा गुनाह हो जाएगा अम्मा? बावला हो गया क्या है? पुलिस वाले सबसे पहले हम पे शक करेंगे। मैं सौतेली माँ, तू सौतेला भाई। अरे उसका भी इंतजाम कर लिया है मैंने। है? हाँ, तो मेरा दोस्त का बड़ा भाई है ना, SHO है, तो सारा का सारा काम वही संभालेगा। बावला हो गया क्या? ये पुलिस वाले कम बख्ती मारे किसी के नहीं होते, ऐन वक्त पे धोखा दे जाते हैं। सोच लो अम्मा, मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, और वैसे भी अब उसने एक यार भी पाल लिया, मुझे और तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दी। अरे पर ये घर भी तो उस कमबख्ती मारी के पैसों से चल रहा है, क्या करें? कुछ दिन पहले उसने मकान के असली कागजात फोटोकॉपी करवाने को दिए थे, मैंने फोटोकॉपी करवा के वापस कर दिए। 15 दिन के बाद मैंने वही असली कागजात तुम्हारी में से निकाल ली। है फिर? फिर क्या, अब अपने नाम करवा लूंगा। पर इसमें तो इतने सारे पैसे लगेंगे। तो तुम्हारे ये सोने के कड़े किस दिन काम आएंगे? खबरदार जो मेरे कड़ों की तरफ आंख उठा के भी देखा, मैं नहीं देने की अपने कड़े वड़े। अरे पैसे से ही तो पैसा मिलता है अम्मा। बेकार से घर बेच के हम कोई अच्छा सा फ्लैट खरीद लेंगे, और बाकी पैसे जो बचेंगे उससे तुम्हारे ये सोने के कड़े भी खरीद लूंगा मैं। क्या कह रहा है जुबैर तू? अरे परेशान क्यों हो रही हो? ऐसा मारेंगे कि किसी को शक भी नहीं होगा अम्मा, बस तुम हाँ भी भर लो। ठीक कह रहा, देख ले। वैसे ही इतनी सारी सारी बंद लाशें मिल रही हैं, एक सालेहा की भी मिल जाएगी तो कौन सा गुनाह हो जाएगा? वैसे ही इतनी सारी क्या हुआ? ये तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? कुछ नहीं, सारी रात सो नहीं सकी ना इसलिए। क्यों? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ शायद तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है। तो तुम कोई टैबलेट ले लो। हाँ ले लूंगी। बल्कि रुको, इतने मुझे पता है तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। ये लो टैबलेट, ठीक है, और ये लाई तो अपने लिए थी पर तुम्हें ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अभी मैं तुम्हारे लिए कड़क सी चाय भिजवाती हूँ, तुम वो पियो, और उसके बाद जाकर तुम जुनेद साहब से मिल लेना, वो तुम्हें बुला रहे थे, मेरे भी शायद कोई जरूरी काम है।
क्या करूं, फराह को बताऊं या नहीं? ये टैबलेट सर का दर्द तो ठीक कर सकती है, लेकिन दिल का दर्द कैसे ठीक हो? या अल्लाह, क्या करूं? ये कैसा इम्तिहान है जो तू मुझे? और ये मैं जरूर करूंगी। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। मुझे माफ कर देना मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर देना। अम्मी मुझे माफ कर दे। रात मैंने वाकई आपसे बहुत बदतमीजी की है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जुबैर मेरे भाई, तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज। वाकई गलती मेरी, मुझे फैसल के साथ इस तरह आना जाना नहीं चाहिए। प्लीज माफ कर दो अम्मी, प्लीज माफ कर देना। आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगी मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अम्मी, आप दिल से माफ करें ना। जब तक आप मुझे दिल से माफ नहीं करेंगी ना, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। प्लीज माफ कर दीजिए। कर दिया, दिल से माफ कर दिया। दिल से माफ किया? हाँ कह तो दिया, आप क्या लिख के दूं, क्या है? अरे कितनी अरे बात ही हो गई है क्या है? अरे हट पर। थैंक यू अम्मी, आई लव यू। रियली मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मुझे गलत मत समझिएगा। सॉरी। जीती रहे। मैं लेट हो रही, मैं ऑफिस आ रही हूँ। नाश्ता तो करती जा, आपके प्यार ने मेरा पेट भर दिया है। खुदा हाफिज़। नाश्ता कर। किस किस्म के कपड़े पहनता है, सारे काज दू धड़ के रख दिए, बटन तोड़ दिए। लीजिए जनाब, गरम गरम सूप है, जल्दी से पी लें वरना ठंडा हो जाएगा। ओहो, और ये मेरा। अच्छा। लो भाई, ये बाद में तय करेंगे। कहाँ से ले आई? अम्मी मेरे ऑफिस के करीब सूप वाले की दुकान है, बहुत मशहूर सूप वाला है ये, मजेदार है ना? अरे हाँ वही, वो स्पेशल सूप वाला ना, वाकई उसको सूप बहुत मजे का होता है। पहले तो एक छोटा सा खोखा था उसका, लेकिन अब तो बड़ी सी दुकान कर ली उसने, तो पैकेट्स में भी सूप बेचने लगा है वो। हाँ हाँ वहीं से तो लाई हूँ मैं, दो तीन पैकेट पकड़ लिए थे मैंने भी। पियो ना, सब ठंडा हो जाएगा। शक्ल से ही अच्छा लग रहा भाई, के देखते हैं। ओह वो गर्म।
और तूने इन्हें मारा कैसे? मैंने उनके सूप में जहर मिला दिया था। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। क्या करती मैं? मेरी मां की लालच और भाई की नफरत ने मुझे इस नौबत तक पहुंचाया था। अपने साथ साथ मेरी मां ने मेरे भाई को भी ऐसा बना दिया था। क्या करती मैं? मेरा भाई ऐसा नहीं था। मेरी मां ने उसे लालची बना दिया था। मैंने बहुत कुछ किया उनके लिए, बहुत कुछ। दिन रात मेहनत करके उनकी जरूरतें पूरी करती थी। उन लोगों ने मुझे उसका कोई सिला नहीं दिया। अगर मैं उन्हें ना मारती तो वो लोग मुझे मारते थे। हाँ, मुझे मार देते। इसीलिए मैंने ये रास्ता इख्तियार किया। इसलिए तो मैं बेकसूर हूँ। से रिश्ता है।